हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप सब अच्छी ही होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं हंगामा टेक्निकल स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देते हैं। जिसने भी मेरा कॉपी किया है वीडियो को और आपका भी वीडियो कोई कॉपी कर लिया है, तो उन सभी को आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं और उनका वीडियो को आप टेक डाउन कैसे करा सकते हैं, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे होगा कि ये दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उनका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम कॉपीराइट देने वाले हैं कॉपीराइट मैच टूल के ऊपर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कॉपीराइट सी नहीं है, इस चैनल पे मुझे कॉपीराइट मैच टूल नहीं मिला है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं मिला है ये, पहले आप बीटा स्टूडियो में जांच कर लीजिए, है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, वरना आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको मैच टूल यहाँ पे सी आपको आ जाएगा नज़र, तो आपको यहाँ से देना है, वरना आप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं, एक मेरा चैनल है और मैं उस पर चलता हूँ, उस पर मेरा कॉपीराइट मैच टूल आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उस चैनल पर मुझे कॉपीराइट मैच टूल नहीं आया था, इस चैनल पर मुझे कॉपीराइट मैच टूल आया है। तो इसमें क्या होगा और कैसे काम करना है, कैसे स्ट्राइक देना है, एक क्लिक में आपको ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होगा, बस वो वीडियो में आगे चल के बताते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं एक बात और भी बता दूं कि आपको किसी और भी तरीके से, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक यूआरएल वगैरह निकाल के फॉर्म वगैरह भर के उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। और फ्रेंड्स, ईमेल आईडी से कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो आने वाले अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉपीराइट मैच टूल के ऊपर पहले क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा वीडियो को बहुत से लोग कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके भी मैच टूल आया हुआ है और इस तरह से पेज आपके पास है और आपका कोई वीडियो कॉपी करता है तो यहाँ पे पूरे वीडियो आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है यहाँ से उनका टाइटल पढ़ सकते हैं, उनका चैनल भी यहाँ से देख सकते हैं, सब्सक्राइबर कितने व्यूज़ है, कितना परसेंट आपका वीडियो कॉपी किया है, सब कुछ यहाँ पर देख जाएगा और आपका फ्रेम भी देख जाएगा और कितना परसेंट अपलोड हुआ है आपका वीडियो, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 100% है, 100% है, सब जगह 100% करके लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको यही बताना चाहूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले आप उनके टाइटल पे एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक बार उनके चैनल पे जाइए और पूरी तरीके से जांच कर लीजिए कि आपका ही वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपको कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है ये इन्होंने मेरा वीडियो कॉपी कर लिया है, तो अब मुझे ज़्यादा जांच करने की ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना है क्लिक, जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वीडियो को हम कॉपीराइट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको अच्छा से समझा दूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला जो है, इसके ऊपर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर इस पर मैं दूँगा, ठीक है। चलिए हम इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देते हैं, आपको भी क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आप जिस भी चाय वीडियो का देना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पे टिक लगा दीजिए बीच वाला पे, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक ही को लगा रहा हूँ और फ्रेंड्स इसको हम स्लाइड नीचे करते हैं, रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल पे हम क्लिक कर देते हैं, आपको भी ऐसे ही कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक किए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पेज मेरे पास ओपन हो गया, तो पेज में क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखना है, यहाँ पे माई सेल्फ, अगर आपका ओरिजिनल वीडियो है तो माई सेल्फ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे माई कंपनी या ऑर्गेनाइजर और क्लाइंट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये माई सेल्फ है, मैं ही यूज़ करता हूँ इनको भी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जिस भी नाम से कॉपीराइट जाएगा, ओनर जो है उनका नाम, चाहे तो आप अपना चैनल का नाम यहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और फ्रेंड्स यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे कंट्री डाल देना है और यहाँ पे रिलेशनशिप जो है कंटेंट का यहाँ पे डाल देना है, माई ओरिजिनल कंटेंट इज कॉपी है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इस तरह से लिख दिया और फ्रेंड्स यहाँ से आपको इसी तरह से अपना एड्रेस पूरा फिल कर देना है। फ्रेंड्स ये सब आपको फिल कर लेने के बाद यहाँ पे एक बार अपना पूरा डिटेल्स जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल
7 days नोटिस। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप टिक लगाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, उनको एक नोटिस चला जाएगा 7 दिन के अंदर में, वो वीडियो डिलीट करने का उनको एक मौका मिलेगा। फ्रेंड्स अगर वो 7 दिन के अंदर वीडियो डिलीट कर देता है उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पहुँचेगा और वो कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकता है। अगर आप चाहते हैं तो 7 दिन के अंदर वाला टिक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उनको मुझे कोई सूचना नहीं देना है, स्टैंडर्ड रिमूवल करना है, यानी कि यूट्यूब डायरेक्ट उसको खुद से रिमूव कर दे, तो उसको कोई सूचना या इस तरह से कोई जवाब नहीं जाएगा और उसका आपका वीडियो जो है वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो चलिए और नीचे क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे टिक लगा देना है और यहाँ पे अपना साइन डिजिटल में। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से सब चीज़ जांच कर लेना है। उनके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट का बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और ये वीडियो यहाँ से अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब ये आ गया होगा यहाँ पे रिमूवल रिक्वेस्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो वीडियो को मैंने रिन्यूअल रिक्वेस्ट लगाया था वो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, अंडर रिव्यू में है, ये जांच करने के बाद रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत सारा वीडियोस जो है रिमूवल रिक्वेस्ट किया था और यहाँ से स्ट्राइक उनको चला गया और यहाँ से वीडियो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपके पास एक मेल आ सकता है, चलिए हम मेल पर आपको चल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं YouTube के तरफ से एक मुझे मेल आ चुका है, यहाँ से हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आ चुका है इस तरह से, अब ये कुछ ही समय में ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही, किसी नए वीडियो में मिलते हैं।